सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम किस्त नंबर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली किस्त में हमने अरब मुस्तारिबा की तफसील शुरू की थी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जान रहे थे। अगर आपने पिछली किस्त नहीं देखी तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाकी अक्सात के लिए चैनल को विज़िट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मजमूआ बाइबल की किताब पैदाइश में मज़कूर है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से 13 साल बड़े थे और कुरान का सियाक बतलाता है कि ये वाक़या हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले पेश आया था। क्योंकि पूरा वाक़या बयान कर लेने के बाद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बिशारत का ज़िक्र है। इस वाक़े से साबित होता है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के जवान होने से पहले कम अज़ कम एक मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का का सफ़र ज़रूर किया था। बकिया 3 सफ़रों की तफसील सही बुखारी की एक तवील रवायत में है जो हज़रत अब्दुल्ला इबन अब्बास रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो से मरफूअन मरवी है। इसका ख़ुलासा बयान करता हूँ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब जवान हो गए, जुरहम से अरबी सीख ली और इनकी निगाहों में जचने लगे, तो उन लोगों ने अपने ख़ानदान की एक खातून से आपकी शादी कर दी। इसी दौरान हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा का इंतकाल हो गया। इधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख़याल हुआ कि अपना तरका देखना चाहिए, चनाचे वो मक्का तशरीफ़ ले गए, लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मुलाकात न हुई। बहू से हालात दरियाफ्त किए, उसने तंग दस्ती की शिकायत की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वसीयत की कि इस्माईल आएं तो उन्हें कहना कि अपने दरवाज़े की चौखट बदल लें। इस वसीयत का मतलब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम समझ गए। बीवी को तलाक दे दी और एक दूसरी औरत से शादी कर ली जो जुरहम के सरदार मदाद बिन अमर की साहिबजादी थी। इस दूसरी शादी के बाद एक बार फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ़ ले गए, मगर इस दफ़ा भी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मुलाकात न हुई। बहू से हालात दरियाफ्त किया तो उसने अल्लाह की हमदो सना की। आपने वसीयत की कि इस्माईल अपने दरवाज़े की चौखट बरकरार रखें और फिर फ़लस्तीन वापस चले गए। इसके बाद फिर तशरीफ़ लाए तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जमजम के करीब दरख्त के नीचे तीर गाड़ रहे थे, देखते ही लपक पड़े और वही किया जो ऐसे मौके पर एक बाप अपने बेटे के साथ और बेटा अपने बाप के साथ करता है। ये मुलाकात इतने तवील अरसे के बाद हुई थी कि एक नरम दिल और शफीक बाप अपने बेटे से और एक इतात शियार बेटा अपने बाप से बमुश्किल ही इतनी जुदाई बर्दाश्त कर सकता है। इसी दफ़ा दोनों ने मिलकर खाना काबा की तामीर की, बुनियाद खोद कर दीवारें उठाईं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारी दुनिया के लोगों को हज के लिए आवाज़ दी। अल्लाह तबारक व ताला ने मदाद की साहिबजादी से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को 12 बेटे अता फरमाए जिनके नाम ये हैं, नाबत या नबायूत, कीदार, अदबाइल, मशबाम, मशमा, दूमा, मीशा, हदद, तीमा, यतूर, नफीस, किदमान। इन 12 बेटों से 12 कबीले वजूद में आए और सब ने मक्का ही में बुदोबाश इख्तियार की। इनकी मईशत का दारो मदार ज़्यादातर यमन और मिस्र व शाम की तिजारत पर था। बाद में
ये कबाइल जज़ीरत अरब के मुख्तलिफ अतराफ़ में बल्कि बैरून अरब भी फैल गए और इनके हालात ज़माने की दबीज तारीकियों में डूब कर रह गए। सिर्फ़ नाबित और कीदार की औलाद इस गुमनामी से मुस्तस्ना रहे। नबीतियों के तमद्दुन को शमाली हिजाज में फरोग और उरूज हासिल हुआ। उन्होंने एक ताकतवर हुकूमत कायम करके गिर्दोबाश के लोगों को अपना बाज गुजार बना लिया। बितरा इनका दारुल हुकूमत था, किसी को उनके मुकाबले की ताब न थी। फिर रूमियों का दौर आया और उन्होंने नबीतियों को किस्सा पारीनिया बना दिया। मौलाना सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक दिलचस्प बहस और गहरी तहकीक के बाद साबित किया है कि आले गुसान और अंसार यानी औस व खजरज कहतानी अरब न थे, बल्कि इस इलाके में नाबत बिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल बची खची रह गई वही थे। किदार बिन इस्माइल की नस्ल मक्का ही में फलती फूलती रही, यहाँ तक कि अदनान और इसके बेटे माद का ज़माना आ गया। अदनानी अरब का सिलसिला नसब सही तौर पर यहीं तक महफूज है। अदनान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सिलसिला नसब में 21वीं पुश्त पर पढ़ते हैं। बाज़ रवायतों में बयान किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब अपना सिलसिला नसब जिक्र फरमाते तो अदनान पर पहुँच कर रुक जाते और आगे ना बढ़ते। मगर उलमा की एक जमात का ख़्याल है कि अदनान से आगे भी नसब बयान किया जा सकता है। उन्होंने इस रवायत को ज़ईफ़ करार दिया है। उनकी तहकीक के मुताबिक अदनान और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान 40 पुश्तें हैं। इसकी तफसील अभी जारी है। मज़ीद इंशाल्लाह अगली किस्त में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।